अब तो सब लोग डिस्ट्रेस्ड हैं और आफ्टर डॉक्टर विमल पालीवाल्स लेक्चर, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू स्पीक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, योगा स्पेसिफिकली इन विमेन्स हेल्थ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय बिग थैंक यू टू आवर डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन, हु हैज एक्चुअली एनविसाज्ड एंड मेटिकुलसली प्लान दिस होलिस्टिक हेल्थ वीक विच इज ऑल्सो द नीड ऑफ द टाइम्स, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रियली प्रोमोटिंग योगा एज अ मीन्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जहां हम मन अंतर मन को एक दूसरे से और हेल्थ से जोड़ते हैं. तो थैंक यू टू सर फॉर क्रिएटिंग दिस वीक. आवर डीन हु इज प्रोफेसर एस पी अम्बेश, हु इज मल्टी टैलेंटेड एंड वेरी प्रोएक्टिव, डॉक्टर विनीता एंड हर टीम हु हैव प्लान्ड टुडेज एक्टिविटीज एंड गिवन मी द चांस टू टॉक टुडे एंड दिस प्लेटफॉर्म. सो थैंक यू टू हर. थैंक यू टू दी ऑडियंस हु बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग एंड ऑल दोज पीपल हु जॉइंड अस टुडे ओवर जूम ऑल्सो. एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल माई को स्पीकर्स टूडे, जिन्होंने मेरा काम थोड़ा मुश्किल किया थोड़ा आसान किया. मुश्किल इसलिए कि सबने बहुत अच्छा बोला, उनके बराबर अच्छा बोलना पड़ेगा, और आसान इसलिए कि बहुत सी चीजें कवर हो गई योगा के बारे में. सो आई नीड नॉट टॉक अबाउट दोज. सो कमिंग टू द टॉपिक टूडे, सो एवरी वन नोज मी आई थिंक टिल द बैक. आई एम डॉक्टर प्रेरणा कपूर एंड आई हैव बीन फिजिशियन इन जनरल हॉस्पिटल सिंस 1994. ओके सो अच्छा मैं यहाँ देख के बोलूँ तो इस बार की जो इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है बहुत ही खूबसूरत है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व एक परिवार है. ये हमें WHO की जो थीम है वन हेल्थ उससे भी जोड़ती है. तो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एक पृथ्वी सब एक परिवार और हम सबका एक मकसद कि हम होलिस्टिकली हेल्थ की ओर बढ़ें. सो दैट इज द मोटो दैट वी शुड ऑल बी लिविंग विद. तो कौन कर सकता है योगा? योगा जो भी कोई सांस ले सकता है वो योगा का अभ्यास कर सकता है. जैसा कि आज हमें बताया गया कि पतंजलि ऋषि जी ने तो ये बताया था कि यदि आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं, यदि आप उस समय अपने आप में तल्लीन हैं और खुश हैं और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वही एक योगासन हो गया. तो योगा, आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस. द ओनली थिंग आई वांट टू से इज कि योगा बाकी एक्सरसाइजेस से अलग इसीलिए है क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस भी क्रिएट करता है. इसके बहुत से बाय प्रोडक्ट हैं, जैसे डॉक्टर पालीवाल ने कहा कि वेट लॉस, स्टैमिना, इमोशनल वेलनेस, नींद अच्छा आना, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं. योगा इज गुड बोथ फॉर मेन एंड वेमेन. नाउ वील टॉक टूडे अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट योगा. अ लॉट हैज बीन टोल्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योगा, वील नॉट गो इन टू दैट. सम इंटरेस्टिंग ट्रिविया एंड वाई वी शुड बी टॉकिंग अबाउट योगा फॉर वुमेन्स हेल्थ, वॉट आर द स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन दैट इट कैन एड्रेस, एंड वॉट आर द कैरी होम मैसेजेस. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है. हम योगा, जैसे कि आज इसके बारे में बहुत बात हुई कि प्राचीन भारत में सदियों पहले ये एमर्ज हुआ और विश्व भर में बाद में ये फैला. तो ये एक लेडी है जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ योगा कहते हैं. ये एक्चुअली एक अमेरिकन लेडी थी, इनका नाम था यूजीनी पीटरसन. इन्होंने जो है कृष्णामाचार्य जो योग गुरु थे, फादर ऑफ मॉडर्न योग थे, उनसे योग सीखा और उसके बाद में इन्होंने चाइना में एक स्कूल खोला और उसके बाद में हॉलीवुड में एक स्कूल खोला योगा का, और इनका नाम दिया गया इंदिरा देवी. इट इज सो इंटरेस्टिंग कि हाउ दिस प्रैक्टिस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नीड फॉर होलिस्टिक हेल्थ. तो औरतों के लिए योगा क्या करता है, क्या लाता है? पहली बात तो ये कि हमें स्त्रियों के बारे में बात करना क्यों जरूरी है. जैसे कि हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री इज वेमेन. वेमेन आर कॉम्पिटेंट, वेमेन आर वर्सेटाइल, वेमेन आर सक्सेसफुल, डायनेमिक एट वर्क एंड इन होम्स. अब ये मल्टीटास्किंग जो होती है इट टेक्स इट्स टोल आल्सो, बिकॉज फॉर एवर वी हैव टू बी यू नो आर ओन वर्जन्स ऑफ सुपर वुमेन. तो वी आल्सो वुमेन आर द ग्लू विच होल्ड नॉट जस्ट फैमिलीज बट आल्सो वर्क प्लेसेस टुगेदर. दे आर यूजुअली द पिलर्स ऑफ एवरीवन्स लाइव्स. लेकिन इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत से तनाव आते हैं. स्ट्रेस के बारे में आज हमने बात की. स्ट्रेस के अलावा मैं कहूंगी स्ट्रेच आल्सो, कि इधर से
जो है जैसे मेरे बच्चे छोटे थे और जब मैं ओपीडी में आती थी उनके स्कूल के उनका कुछ फोन आता था आते कि मुझे ये चाहिए कल मुझे वो चाहिए, उधर से पेशेंट बाहर खड़ा है. सो देर आर ऑल दिस नॉट जस्ट स्ट्रेसेस बट ऑल्सो स्ट्रेचेस. तो कौन ध्यान रखेगा स्त्रियों का? ऑफकोर्स इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिलीज सोसाइटी एंड एम्प्लॉयर्स टू लुक आफ्टर देम, बट ऑल्सो वी शुड बी आर ओन फर्स्ट सेल्फ केयर गिवर्स. एंड योगा इज दैट काइंड ऑफ बैलेंस विच गिव्स the power for self-care in our own hands. So yoga empowers women. जिस भी society में women empowered हैं वो तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी. तो इसके जो योगा के जो benefits हैं वो स्वास्थ्य में भी हैं और बीमारियों में भी हैं. जनरल ओवरऑल बेनिफिट्स हेल्थ में आज इसके बारे में हमने बहुत बात की है एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक मोर अबाउट इट. वन थिंग विच आई रियली लाइक और जिसको मुझे लगता है जिसके बारे में बोलना जितनी भी बार बोला जाए कम है कि बाकी सारे जो एक्सरसाइजेस हैं और बाकी चीजें जो हैं वो हमारे बाहर के हेल्थ पर एम्फेसाइज करती हैं, पर आज के जमाने में जब हम पर बहुत इनपुट्स हैं और बहुत सारी चीजें हमें सब तरफ से स्ट्राइक कर रही हैं तो हमें इनवर्ड जाना, अंदर जाना बहुत जरूरी है. योगा हमें रिलैक्स करता है और स्ट्रेसर से स्ट्रेंथन करता है कि हम स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रेंथिफाई कर सकें. तो नारियों के जिंदगी के सभी स्टेजेस में योगा की भूमिका है. ये दीज आर द नॉर्मल लाइफ स्टेजेस ऑफ अ वुमन और सभी में इसका एक पॉजिटिव रोल है. यदि हम किशोरावस्था में बात करें, बहुत से आजकल आज यहाँ जो बच्चियां बैठे हैं आई वुड से कि सम ऑफ देम आर इन एडोलेसेंस ओनली, लेट एडोलेसेंस, टीनेज, किशोरावस्था. तो किशोरावस्था एक ऐसा समय है लड़कियों के जीवन में जब फिजिकल हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे बहुत जल्दी हो रहे हैं. देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, देर आर बहुत सारा भटकाव है थॉट्स में वगैरह. ऐसे में प्राणायाम और मेडिटेशन ये स्थिरता लाते हैं, इन भटकावों से बचाते हैं. धनुरासन वज्रासन जैसे जो आसन है इनको करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी काफी हद तक रेगुलेट होती हैं. दीज आर द नीड्स ऑफ दोस टाइम्स. सो इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करने से मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है, आगे चल के ओबेसिटी का प्रिवेंट होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी रहते हैं. कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई हैं किशोरियों की जो कुछ आसनों को, जो ये बड़े कॉमन आसन है इनको कर रही हैं. एज वी नो की फ्लेक्सिबिलिटी भी उस समय बहुत अच्छी होती है, सो दे कैन टेक अप दीज आसन. देन उसके बाद आती हैं वुमेन, अगेन आई थिंक लॉट ऑफ वुमेन सिटिंग हियर वुड बी इन दीज एज ग्रुप्स, यंग अडल्ट वुमेन इन देयर 20s एंड 30s, जगलिंग करियर्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टडीज, PhD, MSc, उसके अलावा by if they are pregnant by that time, then pregnancy, बहुत से और काम. तो उसमें अगेन जो एक लाइफ जो उनकी डावा डोल चल रही है उसमें जो बैलेंस है दैट योगा कैन क्रिएट. बिकॉज लाइक वी हैव ऑल टॉक टूडे, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज, इट एक्चुअली ब्रिंग्स माइंडफुलनेस, कामनेस, थोड़ा सा स्ट्रेस को कम्बैट करने में हेल्प करती है. तो जैसा कि है कि बहुत मुश्किल उस समय जिंदगी होती है, इतनी सारी चीजें इकट्ठे चल रही हैं, लेकिन एक 30-40 मिनट रोज अपने लिए ढूंढकर अगर योगा की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे थोड़ा स्थिरता और कामनेस आएगी. देन वी कम टू प्रेगनेंसी, अगेन अ फिजियोलॉजिकल स्टेज बट लॉट ऑफ डिमांड्स ऑन द वुमन. तो प्रीनेटल स्टेज में योगा की प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होता है, स्लीप बेटर होती है, कमर में बैक में जो दर्द होती है औरतों में बहुत बार इस समय पर उसमें कमी आती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स के अंदर पावर बढ़ती है. ये सब चाहिए चाइल्ड बर्थ को जो है के टाइम पर. उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी ऑलवेज टॉक अबाउट IUGR के बच्चे छोटे साइज के जब पैदा होते हैं बच्चों का बर्थ वेट कम होता है. दैट ऑल्सो इफ वुमेन प्रैक्टिस प्रीनेटली अगर योगा को प्रैक्टिस करें तो बेबी बर्थ वेट भी इम्प्रूव होता है. देर आर सम स्टडीज अबाउट दीस, देर इज अ स्टडी विच वॉज एज रिसेंट एज 2022 ये पब्लिश हुई है कि 12 से ज्यादा योगा सेशंस जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान किए तो उनके प्रेगनेंसी पर बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स आए. एंग्जाइटी डिप्रेशन कम हुई, स्ट्रेस कम हुआ और मोर चांसेज ऑफ हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी. सो उसके अलावा नोजिया कम होता है, आई थिंक दिस स्लाइड में भी डिफिकल्ट टू रीड, बैलेंस बेटर होता है, हिप स्ट्रेंथन होते हैं.
हाउएवर क्या सभी प्रकार का योगा प्रेगनेंसी में किया जा सकता है? नहीं, कुछ ऐसे योगा आसन है जिन्हें प्रेगनेंसी में नहीं करना है, जैसे कि जिनमें कमर में और पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता हो या बहुत ज्यादा ट्विस्ट होता हो, बैक बेंड होती हो, पूरा इन्वर्जन जिसमें होता हो शीर्षासन, और कोई भी बेली डाउन पेट नीचे करके प्रोन लेटने वाले जो पोजेस हैं। Then there is postnatal yoga के delivery के बाद प्राणायाम और yogic breathing से quick recovery होती है, muscle fibers में firmness आती है, lactation better होती है और बहुत सारे सारे जो postpartum stresses होते हैं, again उसको combat करने में yoga help करता है। I would emphasize here that everything, especially in pregnancy and all other, actually when we talk about yoga and diseases in women, so always to be done under guidance of the treating doctor and guidance of the yoga teacher, yoga trainer. अपने आप नहीं करना है, ये आज हमें योगाचार्य अमरजीत यादव जी ने भी कहा था। तो फिर आते हैं PMS पर, जो प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होता है, आजकल बहुत कॉमनली हम इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, पर अभी पता है कि ऑलमोस्ट 3/4 औरतों और लड़कियों में ये होता है। पीरियड शुरू होने से 2-3 दिन पहले से उनको मूड स्विंग्स, दर्द होना, अजीब अजीब फूड्स की क्रीविंग्स होना और चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, बात बात में छोटी छोटी बातों में रोने लगना, ये सब हो सकता है। सो योगा इज रियली वेरी इफेक्टिव इन दिस। Then we talk about menopause, again a normal physiological stage in women's lives, but which does come with its own problems. So yogic breathing techniques से जो hot flushes और night sweats हैं, जो बड़े troublesome हैं इस stage में, उसमें help होती है, नींद बेहतर होती है, depression, mood swings, जोड़ों में जो दर्द है, मांसपेशियों में जो थकावट है, वो सब better होती है, focus और concentration better होता है, more very importantly, because always when we talk about yoga, we talk about holistic health improvements. So then we come to specific disease states in women, specifically polycystic ovaries, endometriosis and osteoporosis. कि इनमें क्या योगा से फायदे हैं? हाँ, PCOS जो आज के युग की एक बड़ी कॉमन बीमारी है, जिसमें कि योगा से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम आते हैं, वजन कम होने का चांस होता है और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है, ये सारे एक्चुअली PCOS के कॉम्पोनेंट्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर इम्प्रूव्ड। साउथ इंडिया में 2020 में एक दे डिड अ स्टडी अबाउट योगा एंड एक्सरसाइजेस ऑन स्कूल गर्ल्स। सो व्हाट द कैरी होम मैसेजेस वर कि स्कूल इज द आइडियल प्लेटफॉर्म जब ये सब शुरू करवा देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसके लॉन्ग रीचिंग, फार रीचिंग बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हम टीचर्स को भी इन्वॉल्व करें तो मोटिवेशन, टीचर्स की अपनी हेल्थ, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, सब कुछ बेटर होता है। देन एंडोमेट्रियोसिस इज अ कंडीशन जिसमें बहुत दर्द होती है, पेल्विक पेन जिसे कहते हैं, पेड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसमें भी ये बड़ी डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है, तो इसमें योगा से बहुत बेनिफिट होता है इस क्रॉनिक पेल्विक पेन में। इसके बारे में एक ये आर्टिकल हैज कम आउट एज रिसेंटली एज अप्रैल 2023 कि दे डिड दिस ऑन 42 वुमेन, अ पायलट स्टडी, एंड फाउंड दैट देयर वाज रिडक्शन इन लेवल ऑफ पेन एंड स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Then we talk about osteoporosis. ये आदमियों में भी देखा जाता है, लेकिन औरतों में खास करके जब periods बंद होते हैं और female hormones का impact खत्म होता है हड्डियों पर, तो हड्डियों में कमजोरी होने की वजह से fractures और दर्द होने का chance होता है, तो इसमें जो है yoga से benefit होता है, bone density improve होती है। हालांकि इसमें ये ध्यान रखना है, अगेन ऑलवेज टू बी डन अंडर गाइडेंस, बिकॉज एक्सेसिव प्रेशर और एक्सेसिव रेंज ऑफ मोशन करने से परेशानी होने का चांस है, सो डू नॉट ओवरडू। सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ्स हूसोएवर इज टॉकिंग। देन देयर वाज अ स्टडी इन पुणे महाराष्ट्र अबाउट द इफेक्ट ऑफ योगासन ऑन ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एंड दे फाउंड दैट देयर वाज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन BMD इन दीज वुमेन। और बहुत से कंडीशंस हैं जिनमें बेनिफिट है, कुछ औरतों को स्पेसिफिक है, कुछ औरतों में ज्यादा होते हैं, सिर्फ फाइब्रॉइड्स है, जोड़ों का दर्द है, अस्थमा है, दमा जिसे हम कहते हैं, बैक की दर्द है, कार्पल टनल सिंड्रोम है एंड डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। डॉक्टर पालीवाल ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हार्ट डिजीज, दीज आर द
मेलेडीज ऑफ आर टाइम्स, जो आज के युग की देन है हमें, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, स्ट्रेस मीडिएटेड डिजीजेस, सो इन सब में बेनिफिट मिलता है. सो आई कम टू माई लास्ट पार्ट, वॉट आर द कैरी होम मैसेजेस. तो योगा इज ए लाइफ टाइम आइडियल कंपेनियन फॉर वुमेन, बचपन से लेकर के एडोलेसेंस से लेकर, बचपन से नहीं, किशोरावस्था से लेकर के ओल्ड एज तक, अगर एक डेली रूटीन कस्टमाइज करें अपने समय के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से, और उसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं. इससे आपको ना केवल बॉडीली पॉइज मिलेगा बट मेंटल पीस भी मिलेगा. मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, योगा कहीं भी किया जा सकता है, प्लेस ऑफ वर्क पर भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं. इसमें कोई दाम नहीं लगता, जैसा डॉक्टर पालीवाल ने भी कहा कि चाहिए एक योगा ड्रेस और एक मैट्रेस. तो हाँ, तो एक कुछ भी पहनिए, ढीले ढाले कपड़े और एक मैट लगाइए कहीं पर भी, और आप इसे कर सकते हैं. और ये आपके आत्मा तक को, सोल तक को नरिश करता है. लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक और काम ना समझा जाए, ये समझा जाए कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई ओन सेल्फ, दिस गिव्स मी द पावर ऑफ हैविंग द कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ इन माई हैंड्स, एंड वी शुड ऑल्सो इंटीग्रेट इट विद अदर पार्ट्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, सच एज हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट, बाकी और भी जो हम एक्सरसाइजेस, व्यायाम करते हैं, और कोई जो भी हम स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेजर्स यूज करना चाहते हैं. सो योगा जब विमेन यूज करती हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति विद इन, दैट आई हैव द पावर टू टेक चार्ज, दिस कॉन्सेप्ट रियली गेट्स रीइन्फोर्स्ड. सो एक सवाल है कि मैंने तो अभी तक कभी योगा नहीं किया, मैं 47 साल की हो गई, मैं 22 साल की हो गई, मैं 35 साल की हो गई, मैं 55 की हो गई. तो द आंसर इज कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. आपने अभी तक नहीं शुरू किया, देर आए दुरुस्त आए. आप जिस भी उम्र पर हैं, अपने हिसाब से, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुड योगा टीचर, एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज टेकिंग योर डॉक्टर्स ओपिनियन, यू कैन स्टार्ट अ होलिस्टिक योगा प्रोग्राम फॉर योर ओन सेल्फ. नाउ आई एम शेयरिंग सम पिक्चर्स कि देखिए, वर्क प्लेस में भी अभी रिसेंटली योगा शिविर में जो है, जो हमारे यहाँ की स्टाफ नर्सेज ड्यूटी पर थी, कितने खूबसूरती से इन लोगों ने अपने यहाँ पर मैट्रेसेस लगाकर, दे कुड ज्वाइन इन ऑन जूम एंड डू दीज एक्सरसाइजेस. दिस इज द रिसेंट अगेन पार्ट ऑफ द योगा वीक दैट टुक प्लेस इन SGPGI, जिसमें कि एक स्पेसिफिक डे डिवोट किया गया था प्रेगनेंसी और योगा को. तो विमेन के बेसिकली लेडीज को बहुत सारे तरह के आसन सिखाए गए, जिससे कि वी आर श्योर कि उनको काफी अपने स्वास्थ्य में वो लोग लाभान्वित होंगी जिंदगी में. सो वी शुड नॉट वेट फॉर मिरेकल्स टू हैपन. सबसे बड़ा मिरेकल तो जिंदगी है. तो इस जिंदगी में हम अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करें, औरों की हेल्थ को प्रमोट करें. सो दैट इज द मिरेकल. एंड योगा कंटिन्यूज टू एक्चुअली इवॉल्व एज अ फीमेल प्रैक्टिस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसा मैं आज आपसे जो है मुखातिब हूँ, इस तरह से योगा है इज टॉट बाय लॉट ऑफ वुमेन टू वुमेन. आप सबको पता होगा कि कमलेश जी हमारे यहाँ योगा की एक टीचर हैं, जो जूम पर भी और प्रत्यक्ष में भी योगा सिखाती हैं. इस तरह से बहुत सी वुमेन हैं जो योगा से जुड़ी हुई हैं. एक योगा का जर्नल है जो निकलता है, इसकी 80% रीडर्स एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वुमेन. सो वॉट आई मीन टू से इज दैट योगा बेनिफिट्स बोथ मेन एंड वुमेन, बट इट हैज स्पेसिफिक स्पेस फॉर वुमेन एंड देयर हेल्थ. So, if we want to encapsulate it, yoga is you yearning, you अपने बारे में इच्छा करना, अपने आप को observe करना, अपने आप को पाना योगा के माध्यम से. और सबसे important, which I would say in today's time, खुद को accept करना, अपनी body image के जो negativities हैं या और आपके जो thoughts में negativities हैं, उनको हटाना. सबसे पहले खुद को accept करेंगे, then only we can accept the world. So strike a pose today for proven benefits of yoga for your physical, mental and emotional well-being, and all of us should be the heroines of our lives, not the victims. Thank you.